हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6th to 12th का सिलेबस करवाऊंगी, और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा जैसे 6th to 12th का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें हमने कुछ और जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं। तो हमने देखे जैसे जो सेक्स डिटरमिनेशन है वो कैसे किया जाता है, लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं वो किस टाइप से जा रहे हैं, प्रोसेस कैसे कैसे होती है, या फिर जैसे उसके अंदर हमने मेनली मेंडल जो थे वो इम्पोर्टेंट हैं, वो चीज़ हमने पढ़ी। अभी हमने क्या पढ़ना है कि कुछ जो करेक्टर्स होते हैं ना, जैसे एक तो हम वो अर्जित किए जाते हैं, एक वंशागत होते हैं, तो उन स्पेशल करेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, उन विशिष्ट लक्षणों के बारे में पढ़ना है आज हमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, उपार्जित व वंशागत विशिष्ट लक्षण। देखिए, आप ये चीज़ें बात अच्छे से जानते होंगे, कुछ जो करेक्टर्स होते हैं इन मतलब कुछ लक्षणों के साथ तो इंसान पैदा होता है, कोई भी जीव है वो कुछ लक्षणों के साथ पैदा होता है, कुछ लक्षण वो एनवायरनमेंट से अर्जित करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो सभी करेक्टर्स जो है, सारे जितने भी लक्षण हैं वो उसको एनवायरनमेंट से मिलते हैं, ऐसा तो नहीं है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो सेक्स डिटरमिनेशन किया जाता है, तब करेक्टर्स जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाते हैं। लेकिन कुछ करेक्टर्स ऐसे होते जो एनवायरनमेंट उसको अर्जित करने होते हैं, ठीक है। कि कुछ जीव जैसे उनका क्या होता है, पैदा होते हैं उस टाइम वो चीज़ नहीं होता है, कुछ अच्छी चीज़ होती है जो बचपन में होती है, बड़े होने के बाद में ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जीवों में अगर हम बात करें मनुष्य में थाइमस ग्लैंड की, वो बचपन में होती है, शिशुअवस्था में, तो जैसे जैसे हम एडल्ट होते जाते हैं ना तो वो चीज़ ख़त्म ही हो जाती है। तो वो तो कब की कंडीशन है, वो हमारे जन्म लेने के बाद में एडल्ट होने की कंडीशन है। जबकि कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना है कि जिसमें क्या होता है कि जो भी जीव है उस जीव के अंदर क्या प्रोसेस होती है कि वो जो जीव होगा उसके अंदर क्या कर दिया जाएगा, उन लक्षणों को स्थानांतरित कर जाएगा, बाकी के करेक्टर्स को एनवायरनमेंट सर्जित करेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी जीव होता है उसका क्या स्पेशल करेक्टर होता है, वो वंशागत नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसी अनुक्रिया है जिसके अंदर क्या होता है, विकास होता है उसका, तो वो क्या कहलाता है, वो उपार्जित लक्षण का डेफिनेशन बता रही हूँ। फर्स्ट क्या लिया है, उपार्जित लक्षण। उपार्जित विशिष्ट लक्षण। देखिए क्या बताया मैंने आपको अभी, कि ऐसे जीवों के ऐसे स्पेशल करेक्टर्स जो वंशागत नहीं है बट एनवायरनमेंट के अंदर क्या कुछ जो अनुक्रियाएं होती है उनमें उनसे क्या होता है, विकास होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, उपार्जित लक्षण, ठीक है। डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, ऐसे स्पेशल करेक्टर्स, ऐसे विशिष्ट लक्षण जिनका क्या नहीं होता भाई, एनवायरनमेंट के अंदर रिएक्शन से हुए हैं, वो वंशागत नहीं हुए हैं, ठीक है। वो चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वंशागत हो जब वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे जो तो वंशागत हो जाएंगे, लेकिन ये क्या होते हैं, वंशागत नहीं होते हैं, वंशागत नहीं होते, ठीक है, लेकिन एनवायरनमेंट के रिएक्शंस के कारण नहीं होते हैं, बट एनवायरनमेंट के अंदर जो रिएक्शंस होती है, अनुक्रियाएं जो होती हैं, उस अनुक्रियाओं के कारण क्या होता है, इसका डेवलपमेंट होता है इनका। तो ऐसे जो लक्षण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो उपार्जित लक्षण कहलाते हैं, ठीक है। उपार्जित का मतलब वो अर्जित किए गए हैं,
माता पिता से संतान के अंदर नहीं आई है वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बीटल जो होता है, देखिए जो बीटल होता है काफी टाइम के लिए उसको भोजन नहीं मिल पाता, ठीक है। उसको क्या नहीं मिला, कंडीशन देखिए आप, उसको भोजन नहीं मिला है, ठीक है, पहली कंडीशन। अब आप बात बताइए, जब किसी भी जीव को भोजन नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है कि उसका वेट कम हो जाएगा। दूसरी कंडीशन इसके अंदर क्या हो गई, उसका वेट कम हो जाता है, उसका वजन क्या हो जाएगा, कम। क्यों हुआ, भूखा है, भोजन नहीं मिला है। ये जो बीटल होता है इसका कम भार, ये क्या है, इस बीटल का एक उपार्जित लक्षण है, ठीक है भाई। आप खुद एक बात बताइए, आप पैदा हुए हो, कुछ कैरेक्टर्स जो हैं आपके अंदर हैं ऑलरेडी, वंशागत हैं, आपके अंदर स्थानांतरित हुए हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर जो आप एनवायरमेंट के अंदर आप भूखे रह के अपना खुद वजन कम कर रहे हैं, तो वो क्या उपार्जित लक्षण है। वो चीज़ मैंने आपको बताई कि भोजन नहीं मिला है, वेट कम हो गया है, और जब वेट कम हो गया तो ये कैसा है, उपार्जित लक्षण है। क्यों है, क्योंकि हमने क्या बोला, जो एनवायरमेंट की अनुक्रियाओं से प्रभावित होते हैं उनके कारण, तो मतलब यहाँ पे ये उपार्जित लक्षण क्यों बना, क्योंकि उसके लिए क्या थी, फूड की कमी थी, ठीक है, भोजन की कमी थी, इसी कारण से ये उपार्जित लक्षण जो है इसका विकास हुआ। जो वर्ड मैंने बोला उपार्जित लक्षण का, जो वंशागत नहीं होते हैं, जो एनवायरमेंट के इंटरेक्शन से क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं, विकसित होते हैं, तो ये क्या है, बीटल जो होता है उसके अंदर उसको भोजन नहीं मिला है, वजन कम हो गया है, इसको क्या बताया हमने, उपार्जित लक्षण होता है। तो ये उपार्जित लक्षण क्यों बना, क्योंकि एनवायरमेंट की जो कंडीशंस थी वो ऐसी थी नहीं, क्योंकि उसको भोजन मिलने पर इस कारण से कम हुआ। तो ऐसे लक्षण क्या होते हैं, वंशागत कहलाते हैं, सॉरी उपार्जित कहलाते हैं। वंशागत तो वो होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। यहाँ पे जब एनवायरमेंट के अंदर रिएक्शन हुई, एनवायरमेंट की क्रिया हुई, यहाँ पे इसने क्या किया, ये जो लक्षण है ना उसको किससे प्राप्त हुआ है, वातावरणीय क्रियाओं के द्वारा। वातावरणीय अनुक्रिया के द्वारा क्या हुआ है, उसको ये लक्षण प्राप्त हुआ है। तो जो लक्षण वातावरणीय अनुक्रियाओं से प्राप्त होता है, उसे विकसित होता है, वो कौन सा लक्षण होता है, उपार्जित लक्षण होता है। तो आप बताइए ये कैरेक्टर प्रूफ हुआ या नहीं हुआ, हमने बोला उपार्जित लक्षण होते हैं। तो अब ये इतना पार्ट आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ गया है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको हमारे वीडियोज कैसे लगते हैं, और हमारे इस क्वालिटी एजुकेशन की इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारे एक्सपर्ट जो है वो आपको बाकी सभी सब्जेक्ट जल्द से जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे। सो आप वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लगातार देखते रहिए। देखिए ये बात हो गई, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए चूहे का, किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, चूहे का, चूहे की पूंछ कट जाती है, इसको क्या बताया है, एक उपार्जित विशेष लक्षण बताया है, जो कि उसके एनवायरमेंट में किसी कारण से उत्पन्न हुआ। तो जीवों के जो उपार्जित लक्षण होते हैं उनकी जो भावी पीढ़ियां होती हैं, आने वाली पीढ़ियां जो होती हैं उसको हस्तांतरित नहीं होते हैं, ठीक है भाई। उसकी पूंछ कट गई है, चूहे की पूंछ कट जाती है, ये क्या है, उपार्जित लक्षण है। वो पैदा तो पूंछ वाला हुआ था, पूंछ तो उसकी कटी है, तो इस कारण से जब ये पैदा हुआ पर्यावरण के किसी रीजन के कारण, तो ये जो करैक्टर्स होते हैं ना ये क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते हैं, ये वंशागत नहीं होते हैं, वंशागत नहीं होते, मतलब ये जो आने वाली पीढ़ियां होंगी, जो आने वाली जनरेशन्स होंगी उनमें ट्रांसफर नहीं होंगी,
आ रही है ना आपको बात समझ में, मैं क्या कह रही हूँ? भाई चूहा पैदा तो पूंछ के साथ हुआ था एंड किसी वजह से उसकी पूंछ कट चुकी है। जब उसकी पूंछ कट गई है, बिना पूंछ का हो गया, तो कैसा लक्षण हो गया? वो उपार्जित लक्षण हो गया। ठीक है, जो एनवायरनमेंट की कंडीशंस के कारण उत्पन्न हुआ, वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। एनवायरनमेंट के अंदर से कंडीशन थी जिसके कारण वो पैदा हुआ, लेकिन उसके जो करेक्टर्स हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये लक्षण है उपार्जित लक्षण। तो इसका अगला इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चली उपार्जित लक्षण की विशेषता, कि उपार्जित लक्षण जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते हैं। ठीक है, ये बात बताना चाह रही हूँ मैं यहाँ पे। अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि उपार्जित लक्षण नहीं जाते हैं, जो वंशागत होंगे वही तो जाएंगे। वंशागत मतलब आगे जाएंगे, ठीक है, जबकि ये जो है वो आगे नहीं जाएंगे उपार्जित लक्षण। आगे समझ में? नेक्स्ट बार देखिए, हमने बोला कि भावी पीढ़ियों को ये जो लक्षण स्थानित नहीं होंगे, और जनकों के जो स्पेशल करेक्टर्स होते हैं ना, पेरेंट्स के जो स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, वो रिप्रोडक्शन के दौरान जो जब रिप्रोडक्शन होता है, मतलब तो जब जो जनन कोशिकाएं होती हैं उन जनन सेल्स में जीनों के द्वारा उनकी संततियों में छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, किसके? जनकों के विशिष्ट लक्षण। पेरेंट्स के जो स्पेशल करेक्टर्स होते हैं उनके जो स्पेशल करेक्टर्स होते हैं जब वो वंशागत हो रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या हो रहा है? उनके अंदर वंशागत हो रहा है, तो कब? जब उनके जो विशिष्ट लक्षण है वो प्रोसेस कौन सी होती है, तभी तो मिलते हैं, रिप्रोडक्शन। वो किस कारण से? जब जनन होता है उसके दौरान कौन से सेल्स में? जनन सेल्स, जनन कोशिकाएं जो होती हैं, तो उसके दौरान उन जनन कोशिकाओं में जीनों के द्वारा कहां से स्टार्ट थे? जनकों के, जाएंगे कहां पे? संतान के अंदर जाएंगे, ठीक है, के द्वारा उनकी संतति में स्थानांतरित होते हैं, उनकी संतति में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, अरे बात समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि जो वंशागत लक्षण है, मतलब जो करेक्टर्स एक अनुवांशिक लक्षण जो है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, वो तो जाएंगे ही रिप्रोडक्शन के दौरान, जबकि जो उपार्जित लक्षण होते हैं ना वो नहीं जाते हैं। उपार्जित जो एनवायरमेंट की कंडीशन के कारण आपने प्राप्त करे, ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव कहने का मतलब है कि जैसे जो चूहा है उसकी पूंछ कट गई है, तो एक तरीके से देखते नेगेटिव है कि चूहा पूंछ वाला होता है, लेकिन किसी रीजन से उसकी कट गई है तो उपार्जित लक्षण है। दूसरी चीज़, बीटल जो होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल बताया आपको, काफ़ी टाइम तक भोजन नहीं मिलता है, बॉडी का वेट गिर जाता है, तो वो क्या है? वो नेचुरली थोड़ी गिरा है बॉडी का वेट, उसको जब उसको भोजन नहीं मिला तब गिरा, भाई एनवायरमेंट के कारण तो हुआ, उसको एनवायरमेंट के अंदर ऐसी कंडीशंस नहीं मिली कि वो क्या कर सके, अपना डेवलपमेंट कर सके। तो ये प्रोसेस होती है कि उनके जो विशिष्ट लक्षण होते हैं जनकों के, वो स्थानांतरित किए जाते हैं किसके अंदर? अपनी संतति में स्थानांतरित किए जाते हैं। इसीलिए जीवों के कुछ जो स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, तो उन जीवों के जो लक्षण जो होते हैं, उन लक्षणों को स्थानांतरित होने के लिए उस जीव को जनन कोशिकाओं में उपस्थित जीनों के द्वारा उनमें परिवर्तन हो, उनमें परिवर्तन के द्वारा उत्पन्न होना जरूरी होता है। क्या कहना चाह रही हूँ मैं, कि जो करेक्टर्स क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, तो उनके स्थानांतरित होने के लिए जो जनन कोशिकाएं होती हैं, हमने क्या बोला, जनन कोशिकाओं में जीनों के द्वारा संतति में स्थानांतरित किया जाता है। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं क्या, कि जो जैसे स्थानांतरण हो रहा है लक्षणों का, तो उन जनन कोशिकाओं में क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन, इसी बात को डिफाइन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो वो जो जीन होते हैं जो क्या कर रहे हैं, लक्षणों का स्थानांतरण करते हैं, उन जीनों के अंदर परिवर्तन के द्वारा, भाई जब भी तो संतति जो है वो अलग अलग होगी, तो उसके द्वारा उत्पन्न होना क्या होता है, जरूरी होता है। तो ये जब कंडीशन होती है, तो हम क्या बताते हैं कि जो करेक्टर्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो ये कुछ पार्ट था किसका, हमने बोला उपार्जित लक्षण जो है, पहला उपार्जित लक्षण किस टाइप के हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। टॉपिक तो हमारा चलेगा उपार्जित लक्षण, वंशागत लक्षण। अभी हमने पहला किसके बारे में पढ़ा, उपार्जित लक्षण के बारे में, कि जो उपार्जित लक्षण है वो क्या होता है, वो कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्या ध्यान रखना है, वो जाता ही नहीं है उपार्जित लक्षण, तो
ठीक है, वो सिर्फ एनवायरनमेंट से अर्जित किया जाता है, एनवायरनमेंटल के जो अंदर जो एनवायरनमेंट के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं उनके द्वारा कंप्लीट किया जाता है। आप बताते हैं किसकी, आपके आज के क्वेश्चन की। आपको ये बताना है कि जैसे कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, तो चलिए ऐसे बता दीजिए कि केंद्रक की खोज किसने की थी। कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कम्प्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के, वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे internetpadhai.com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज। और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी, वो आपको internetpadhai.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।